हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नारनौल से जेजेपी उम्मीदवार रामकुमार गौतम के बेटे रजत गौतम ने राजपुरा गांव का दौरा किया। राजपुरा गांव के लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। रजत गौतम ने बताया कि आज वह अपने परिवार में आए हैं और लोगों को जेजेपी ज्वाइन करवाई है। आज यूपी बिहार छत्तीसगढ़ सोनीपत रोहतक से कई भाई हमारे बीच आए हैं, हम उनका नारनौल पहुँचने पर स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार का चुनाव में जनता जाग चुकी है, बीजेपी की नीतियों से ऊपर उठकर जेजेपी को जिताने का काम करेगी। आम आदमी बीजेपी से बहुत दुखी है, इसलिए लोग जेजेपी का समर्थन कर रहे हैं और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया है जी, आज 14 तारीख है और आज पूरे यूपी बिहार रोहतक सोनीपत जज्जर की रैली है आज नारनौंद में। अपना सारी मंडी में आज बाहर के भाई आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं नारनौंद में। अपना रोहतक सोनीपत जज्जर के आदमी तो बिल्कुल हरियाणा के हमारे भाई हैं सब अपना, और यूपी के भी आज काफ़ी आदमी आए हुए हैं, उन सबका नारनौंद की धरती पर हमें शाह की रैली में स्वागत है। बिल्कुल हुड्डा साहब बिल्कुल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके और हमारा उनसे बड़ा अच्छा नाता रहा, अपना उनका भी दिल खोल के स्वागत है। ऐसा है जी, मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ कि जो इस बार नारनौंद में जो इलेक्शन है वो जनता अपने आप ही लड़ रही है। अपना वो कैप्टन की और बीजेपी की नीतियों से और खासकर नकली एमएलए जैसे सिंधु के व्यवहार से इतनी तंग है कि उनको पीछा छुड़ाने का माध्यम चाहिए था। जो नारनौंद नारनौंद में नहीं, हरियाणा की जनता ने जेजेपी को चुना है, दुष्यंत को चुन रखा है, अपने आप ही इलेक्शन हो रहा है। हम लड़ रहे हैं जातिवाद के ऊपर। ऐसा है हमने पार्टी को ज्वाइन करा है जो सबसे बड़ा कदम था। रामकुमार गौतम जी ने जिस दिन जेजेपी पार्टी बनी जननायक जनता पार्टी, उस दिन दुष्यंत को ज्वाइन करा। कहीं ना कहीं हमारी पहल तो जातिवाद को ख़त्म करने की है। इल्ज़ाम लगाने वाले तो जातिवाद नहीं, पैसे से वोट खरीदने वाले कैप्टन साहब, जाति कुछ भी नहीं, वो सारा का सारा उनका प्रपंच बीजेपी का, हमेशा हर प्रांत में लड़वा कर राजनीति करती है और तो कोई उन पर मुद्दा है नहीं। बेचारे जिन्होंने पिछले साल जो 10 साल से कैप्टन साहब से जुड़े हुए थे, किसी एक का काम नहीं बना। अपना रोते घूमते हैं, अपना वो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, बड़ी शर्मनाक बात है। आप अपने विकास के ऊपर जो आपने काम कराए अपने वर्करों के, अपने साथियों के, जिनके दुख सुख में अगर आप गए हो तो आप उनके भरोसे इलेक्शन लड़ो, दूसरी बात ही क्यों करते हैं। 100% जीत है, अरे ऐतिहासिक जीत होगी नारनौंद हल्के में, बहुत समय के बाद कई हजारों में जीत होगी।